इस वीडियो में हम लोग सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके सॉल्यूशन उसके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड के क्या डिसएडवांटेजेस हैं जिसके कारण हम लोग को सिंप्लेक्स मेथड में जाना पड़ा। ग्राफिकल मेथड में सिर्फ दो वेरिएबल अगर हैं तभी सॉल्व किया जा सकता है कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। अगर दो से ज़्यादा वेरिएबल आ जाते हैं तो वहाँ जो ग्राफिकल मेथड है वो फेल हो जाता है। तो हम लोग जो सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करते हैं इसमें अगर दो वेरिएबल हैं तो भी हम लोग सिंप्लेक्स मेथड यूज़ कर सकते हैं, अगर दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो भी हम लोग सिंप्लेक्स मेथड यूज़ कर सकते हैं। सिंप्लेक्स मेथड तब यूज़ कर सकते हैं जब उनके दिए हुए जो कंस्टेंट हैं वो लेस देन इक्वल टू टाइप के होंगे। अब हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं और देखते हैं कि सिंप्लेक्स मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जो क्वेश्चन है वो है मैक्सिमाइजेशन टाइप का। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जेड इज इक्वल टू 4x1 प्लस 3x2 प्लस 6x3 और जो कंस्टेंट है सब्जेक्टेड टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 इज लेस देन इक्वल टू 440, 4x1 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल टू 470, 2x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 430 और ये जो कॉमन कंस्टेंट है x1 x2 x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं। जितने दिए हुए कंस्टेंट हैं उतने ही स्लैक वेरिएबल लेते हैं। यहाँ पर तीन कंस्टेंट और तीन स्लैक वेरिएबल लेंगे तो इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल S1, S2, S3 एंड एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड इज इक्वल टू 4x1 प्लस 3x2 प्लस 6x3 प्लस 0s1 प्लस 0s2 क्योंकि ये दोनों का कोफिशेंट 0 है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जेड की वैल्यू में। अब सब्जेक्टेड टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 प्लस s1 इज इक्वल टू 440। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू था तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम लोग s1 क्वांटिटी ऐड कर देते हैं तो वो इक्वल टू हो जाता है 440 के। सिमिलरली 4x1 प्लस 3x3 प्लस s2 इज इक्वल टू 470, 2x1 प्लस 5x2 प्लस s3 इज इक्वल टू 430 और लास्ट वेरिएबल होगा लास्ट कंस्टेंट होगा x1 x2 x3 s1 s2 s3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हम लोग x1 x2 x3 की वैल्यू जो है जो कंस्टेंट में है उनको हम लोग 0 इक्वेट कर देते हैं 0 से तो हम लोग का जो वैल्यू मिलता है स्लैक वेरिएबल का वो मिलता है 440 s1 s2 की वैल्यू मिलती है 470 s3 की वैल्यू मिलती 430। इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करते हैं अगर ये पूरी वैल्यू इसको तो हम लोग को जेड की वैल्यू मिलती 0। ये जो कंडीशन है इसमें हम लोग को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा तो अगर हम लोग ये जो s1 s2 ऐसे स्लैक वेरिएबल है उसको हम लोग अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं x1 x2 x3 हैं जो वेरिएबल हैं इनको हम लोग 0 पुट करें इसका मतलब है कि हम लोग कोई भी रॉ मटेरियल होगा या फिर कोई भी मशीन जो है वर्किंग कंडीशन में नहीं है। अगर वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो हम लोग को प्रॉफिट ही होगा ही नहीं प्रॉफिट तो प्रॉफिट जो हम लोग का हुआ वो 0 हुआ। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज अभी नहीं कर सकते। अब ये जो अनयूटिलाइज रिसोर्सेज हैं ये हम लोग को मिले 440 470 430। अब देखते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टेबल में कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इस टेबल को समझते हैं। यहाँ पर जो बेसिक है बेसिस वेरिएबल बोलते हैं s1 s2 और s3 को और जो x1 x2 x3 इसको बोलते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल। तो बेसिस वेरिएबल क्या होंगे इस रो में x1 x2 x3 और ये कॉलम में जो देखते हैं s1 s2 s3 यहाँ पर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर s1 s2 और s3 लिखते हैं। उसके बाद ये जो cj हैं ये जो है कोफिशियंट जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वेरिएबल के कोफिशियंट है उसको इस रो में लिखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल x1 का कोफिशियंट था 4, x2 का था 3, x3 का था 6 और s1 s2 s3 की वैल्यू क्या कोफिशियंट की वैल्यू 0 थी। तो ये यहाँ पर पुट करेंगे। उसके बाद बेसिस जो होती है बेसिस वाले कॉलम में इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए हम लोग स्लैक वेरिएबल को लगते हैं क्योंकि ये अनयूटिलाइज रिसोर्स है और उसी के लेफ्ट साइड में राइट साइड में देखते हैं cb की वैल्यू जो है 0 0 0 क्योंकि इनिशियली यहाँ पर जो इनके कोफिशियंट है वो 0 ही हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं ये जो है कॉन्स्टेंट की वैल्यूज़ है कंस्टेंट जो दिए हुए थे तीन कंस्टेंट उसमें x1 x2 x3 s1 s2 s3 के क्या क्या कोफिशेंट हैं ये हम लोगों ने लिखा और जो b है वो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट दिए होते हैं 440 470 ये जो रिसोर्सेस हैं
ये लिखे जाते हैं, और ये जो थीटा है वो है रिप्लेसमेंट रेशियो। तो जेड जे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जेड जे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो जेड जे के लिए क्या होगा, जो बेसिस वेरिएबल के जो कोफिशेंट है उसको हम लोग जो कांस्टेंट दिए हुए रहते हैं उनके कोफिशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और आखिरी में सम कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 2 0 + 0 × 4 0 + 0 × 2 0, तो तीनों का सम हो जाएगा 0। अभी ये क्यों, क्योंकि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू हम लोग को 0 ही मिलेगी। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में जेड की वैल्यू हम लोग को 0 मिलेगी। अब सी जे माइनस जेड जे देखते हैं, सी जे माइनस जेड जे, तो ये वैल्यू सेम टू सेम आ जाएगी, क्योंकि अभी हम लोग की जेड की वैल्यू 0 आई है। तो ये देखते हैं 4 3 6 0 0 0। अब चूंकि ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू को एंटरिंग वेरिएबल के रूप में लेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है 6, तो 6 को हम लोग एंटरिंग वेरिएबल लेते हैं, एंटरिंग कॉलम ये। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू इसलिए लेते हैं क्योंकि सी जे माइनस जेड जे रो ये बताता है कि अगर हम लोग एंटर कराते हैं X3 को किसी स्लैक वेरिएबल को हटा के, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा 6 पर यूनिट। तो यहाँ पर हम लोग का प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव है हम लोग का प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू रहते हैं। अगर हम लोग का ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है मिनिमाइजेशन टाइप, तो वहाँ पर हम लोग नेगेटिव मोस्ट नेगेटिव वैल्यू या फिर जो सबसे कम वैल्यू है सी जे माइनस जेड जे रो में वो लेते हैं, क्योंकि हम लोग का वहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना। तो यहाँ पर हम लोग ये की रो लेते हैं, की कॉलम लेते हैं, ये हम लोग का की कॉलम हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से वेरिएबल को हटा के हम लोग ये वेरिएबल को लाते हैं बेसिस में। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो ये की कॉलम है मतलब X3 एंटर करेगा यहाँ पर, तो उसके लिए हम लोगों को कोई भी एक वेरिएबल को लीव कराना पड़ेगा। उसके लिए जो रिप्लेसमेंट रेशियो है वो निकालना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट रेशियो जो है जो B है उसको डिवाइड करते टू से की कॉलम से, तो हम लोग को ये वैल्यू मिलती थीटा की। यहाँ पर देखते हैं 440 को डिवाइड किए 2 से, तो हम लोग को वैल्यू मिली 220। 470 को डिवाइड किए 3 से, तो हम लोग को वैल्यू मिली 156.6। और वैसे ही 430 को डिवाइड किए 0 से, तो इन्फिनिटी मिली। अब वहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो मिनिमम लेते हैं, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू इसलिए लेते हैं, अगर हम लोग लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो नेक्स्ट इटरेशन में जो हम लोग को वैल्यू मिलेगी वो जो होगी फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा। अगर हम लोग 220 ले लेते हैं या इन्फिनिटी ले लेते हैं, तो नेक्स्ट इटरेशन में जो वैल्यू मिलेगी हम लोग को वो जो होगी इनफिजिबल वैल्यू मिलेगी। वहाँ पर होगा कि बी की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, जो कि सेंसलेस है, इसलिए हम लोग वहाँ पर लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेके चलते हैं। यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट रेशियो था उसमें जो मिनिमम वैल्यू मिली थी 156.6 मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, ये हो जाएगा हम लोग का की रो। तो ये हो गया की रो, ये हो गया की कॉलम। यहाँ पर लीविंग वेरिएबल हो जाएगा S2 और एंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा X3, और दोनों का जो की रो और की कॉलम का जो इंटरसेक्शन है इसको हम लोग बोलेंगे की वैल्यू या पिवोटल वैल्यू। अब ये जो पिवोटल वैल्यू है इसको हम लोग 1 बनाते हैं नेक्स्ट इटरेशन में, जब X3 जब रिप्लेस होगा तो S2 को हटा के यहाँ पर X3 लिखेंगे, और उसका कोफिशियंट 6 था तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, और ये जो वैल्यू है इसको हम लोग 1 बनाएंगे। तो इसको 1 बनाएंगे तो 3 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो इस रो में जितनी भी वैल्यू है उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसके ऊपर और नीचे जो रिमेनिंग इस कॉलम में ये 1 होगा, और बाकी जो वैल्यू बची इस कॉलम में वो 0 होंगी। तो इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। यहाँ पर हम लोग को ये 1 बनाना है, ये 0, ये 0, उसके लिए हम लोग रो ऑपरेशन लगाते हैं। देखते हैं सेकेंड इटरेशन में क्या होता है। अब यहाँ पर सेकेंड इटरेशन में देखते हैं, सेकेंड इटरेशन में जो X3 था वो रिप्लेस करके वो एंटरिंग वेरिएबल था, तो एंटरिंग वेरिएबल को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, S2 थोड़ा लीविंग वेरिएबल था तो उसको यहाँ पर से हटा देते हैं। अब X3 का कोफिशियंट है 6 यहाँ पर,
अब यहाँ पर रो ऑपरेशन लगाते हैं, तो वहाँ पर जो की एलिमेंट था 3 था, तो की वैल्यू को क्या करते हैं 3 से डिवाइड कर, या की वैल्यू को 1 बनाते हैं, की वैल्यू 3 था तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो वो ऑपरेशन इस पूरे रो के लिए परफॉर्म होगा। तो रो R2 को क्या करेंगे 3 से डिवाइड देंगे, तो यहाँ पर 4 था, 4 डिवाइड को 3 से डिवाइड दिए 3, यहाँ 0 था तो 0 डिवाइड बाई 3 3 0, एंड यहाँ पर 3 था तो 3 डिवाइड बाई 3 1, ये हो जाएगा की वैल्यू थी ये। अब उसके बाद सेम यहाँ 0 था, यहाँ पर पहले 1 था तो 1 डिवाइड बाई 3, हाँ 470 था तो डिवाइड बाई 470 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ जो थर्ड रो थी, थर्ड रो में जो की वैल्यू थी उसके नीचे ऑलरेडी 0 था, तो इसको हम लोग को कुछ करने की जरूरत, रो ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि की वैल्यू के ऊपर और नीचे की वैल्यू के अलावा जो जो की कॉलम है उसमें बाकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो ये वैल्यू ऑलरेडी 0 थी, तो ये वाले रो को वैसे एज इट इज़ वहाँ पर उतार दिया हमने। वैसे ही रो 1 में की वैल्यू के ऊपर यहाँ पर कुछ वैल्यू थी, उसको हम लोग को 0 बनाना है, तो उसके लिए हम लोग को रो ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने रो ऑपरेशन परफॉर्म किया R1 - 2R2, तो यहाँ पर R1 की वैल्यू पहले यहाँ पर थी 2, ठीक है, तो 2 - 2 × R2, तो R2 की वैल्यू यहाँ पर है 4/3। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 = 6, 6 - 8 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा -2/3। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, वैसे ही यहाँ पर बाकी की वैल्यू सॉल्व करेंगे यहाँ बी तक, तो ये ऑपरेशन लगाएंगे तो वैल्यू आती जाएगी 3 0 1 - 2/3 0, यहाँ 0 आ गई। अब फर्दर सॉल्व करते हैं, अब यहाँ पर जेड जे की वैल्यू निकालते हैं, 0 × -2/3 0 + 6 × 4/3 + 0 × 2, तो जेड जे आता है 8। अब 8 आ गया, वैसे ही सिमिलरली सबको सॉल्व करते हैं, 0 × 3 + 6 × 0 + 0 × 5, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। सिमिलरली बाकी को सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू मिलती है आखिरी में जेड की 9, ये वाली वैल्यू के लिए 0 × 3 80/3 6 × 4 70/3 + 0 × 4 30, तो हम लोग को वैल्यू मिलती है 940। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जब हम लोग ग्राफिकल मेथड सॉल्व करते हैं तो वर्टेक्स टू वर्टेक्स चेंज होती है वैल्यू, तो वहाँ पर शुरू में 0 0 ओरिजिन से चालू हुई थी, अब सेकेंड जो वर्टेक्स आया उस पर वैल्यू जेड की हम लोग को 940 मिली। अब देखते हैं CJ - ZJ की वैल्यू क्या है। CJ - ZJ 4 - 8 - 4, 3 - 0 3, 6 - 6 0, 0 - 0 0, और 0 - 2 - 2, और 0। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग को इस वाले रो से पता चल जाता है कि अभी हम लोग के कितने इटरेशन बाकी है। यहाँ पर देखते हैं ये माइनस है, ये 0 0 माइनस, और बाकी सारी वैल्यू माइनस और ये 0 में आ चुकी है, सिर्फ एक पॉजिटिव वैल्यू बची है, तो इसी को हम लोग की कॉलम बनाते हैं, और हम लोग का एक ही इटरेशन इसके बाद बचेगा। तो की कॉलम के लिए ये की कॉलम हो जाएगा, अब की कॉलम की जो वैल्यू है, की कॉलम की वैल्यू बी को डिवाइड कर देते की कॉलम की वैल्यू से, तो 380 / 3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आ जाएगा 380/9, 0 से डिवाइड करेंगे तो आएगा इन्फिनिटी, 430/5 करेंगे तो 86, ठीक है। अब ये तीनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी हम लोग की मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी की रो, तो ये वाली वैल्यू मिनिमम आएगी तो ये हो जाएगा की रो। अब की रो जो है की रो ये हो गया, मतलब हम लोग का जो एंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा वो हो जाएगा X2 और लीविंग वेरिएबल हो जाएगा S1, और दोनों का इंटरसेक्शन जो हो जाएगा की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। अब जो नेक्स्ट इटरेशन करेंगे उसमें इस 3 को हम लोग को 1 बनाना है, और जो बाकी रिमेनिंग वैल्यू होंगी उनको हम लोग को 0 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए हम लोग को फिर से ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये जो पहले तो ये वाले को हम लोग ये एंटरिंग वेरिएबल को यहाँ लिखते हैं, फिर लीविंग वेरिएबल को हटा देते हैं, तो X2 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन में देखते हैं हम लोग X2 की जो X2
S1 को हटा के S1 को रिप्लेस करके हाँ X2 आ गया, X3 यहीं रहेगा, S3 भी ऐसे ही रहेगा। अब देखते हैं इसको 1 बनाना है, तो हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं R1 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा R1 डिवाइड बाई 3, तो 3 डिवाइड बाई 3 1, -2 डिवाइड बाई 3 -2/9 आ जाएगा। सिमिलरली बाकी को भी सॉल्व करेंगे तो वैसे ही आ जाएगा 1 0 1/3 -2/9 0 380/9। अब सेकेंड वाले रो में देखते हैं ऑलरेडी ज़ीरो है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली पुट कर देते हैं, हम लोग को कोई परफॉर्म नहीं कर कोई रो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। तो यहाँ पर 4/3 0 1 0 0 1 0 जितनी भी वैल्यू है सेम टू सेम एज इट इज़ यहाँ पर पुट कर देंगे। अब थर्ड रो में देखते हैं, थर्ड रो में यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर रो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कौन सा रो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, R3 -5R1 R3 -5 × R1, R1 की वैल्यू 1 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 -5 0 हो जाएगा। बाकी वैल्यू भी वैसे ही सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर हम लोग रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे थर्ड रो में, तो थर्ड रो में यहाँ पर वैल्यू थी 5, तो 5 को हम लोग को कन्वर्ट करना है 0 में, तो यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा R3 -5R1। एक वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, R3 की पहले वैल्यू थी 2, तो 2 -5 × R1, अब R1 की वैल्यू जो है करेंट वैल्यू वो -2/9 है, तो ये हो जाएगा 18 + 10 / 9 हो जाएगा 28 / 9, ये आ गया 28 / 9। वैसे ही बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए वैल्यूज़ को निकालेंगे तो बाकी वैल्यू आई 0 0 -5/3 10/9 1 और 1970/9। अब फिर से ZJ निकालेंगे, ZJ यहाँ पर 3 × -2/9 +6 × 4/3 +0 × 28/9, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का Z की वैल्यू आएगी 22/3। सिमिलरली बाकी सारी वैल्यू निकालेंगे 3 × 1 +6 × 0 +0 × 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। बाकी वैल्यू देखेंगे तो बाकी वैल्यू वैसे ही निकालेंगे तो 6 1 4/3 0 और ZJ की वैल्यू आ जाएगी 3200/3। अब CJ - ZJ निकालते हैं, नेट इवेल्युएशन रो भी बोलते हैं इसको, तो CJ - ZJ निकालेंगे तो क्या होगा, CJ की वैल्यू 4 4 -22/3 -10/3 3 - 3 0 6 - 6 0 0 - 1 - 1 और 0 -4/3 -4/3 और 0 - 0 0। अब ये जो नेट इवेल्युएशन रो है इससे हम लोग को पता चलता है कि आगे इटरेशन परफॉर्म करना है कि नहीं। हम लोग ने देखा यहाँ पर Z की वैल्यू आ गई 3200/3। अब यहाँ पर देखते हैं कि CJ - ZJ जो कि एक नेट इवेल्युएशन रो है जिससे हम लोग को पता चलता है कि आगे ऑप्टिमलिटी टेस्ट परफॉर्म करना है कि नहीं। चूँकि ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन टाइप का था तो यहाँ पर सारी वैल्यू नेगेटिव या फिर ज़ीरो आनी चाहिए थी, तो यहाँ पर देखते हैं सारी वैल्यू नेगेटिव है या फिर ज़ीरो है, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्टिमलिटी टेस्ट परफॉर्म करना बंद कर देते हैं, यही हम लोग का ऑप्टिमम रिजल्ट है। तो ऑप्टिमम वैल्यू क्या मिली, x1 की वैल्यू, चूँकि यहाँ पर बेसिस के नीचे में कोई भी वेरिएबल x1 नहीं है, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 0, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 380/9 और x3 की वैल्यू हो जाएगी 470/3, जिसके लिए z मैक्सिमम मिला हम लोग को 3200/3। हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा कि सिंप्लेक्स मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। अब जो जनरल स्टेप्स होते हैं जो सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप्स है एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय कन्वर्टिंग द कंस्टेंट इनटू इक्वेशन। इसके लिए हम लोग स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं, जितने नंबर ऑफ कंस्टेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ स्लैक वेरिएबल्स होंगे। उसके बाद हम लोग का जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो नॉन बेसिक वेरिएबल रहते हैं, जो नॉन बेसिस जैसे कि x1 x2 x3 जो क्वेश्चन में रहते हैं उनको हम लोग इक्वेट कर देते हैं ज़ीरो से, तो हम लोग का जो वेरिएबल होता है जो बेसिक वेरिएबल होता है s1 s2 ये सब उसकी वैल्यू आती है, तो वो जो होता है हम लोग का इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में हम लोग x1 x2 x3 की वैल्यू को ज़ीरो पुट करते हैं, मतलब जो रिसोर्सेज रहते हैं
उसको हम लोग अगर ज़ीरो पुट कर दें तो जेड की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, नो प्रॉफिट और नो लॉस की कंडीशन होगी। ये कंडीशन कब आएगी, जब हम लोग का अनयूटिलाइज रिसोर्सेस होगा, जो S1 और S2 है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो रिसोर्सेज दिए जाते हैं उसको हम लोग ज़ीरो पुट कर देते हैं, तो हम लोग की जो अनयूटिलाइज रिसोर्सेज S1 और S2 की वैल्यू वहाँ से मिल जाती है। उसने उसके बाद थर्ड स्टेप होता है ऑप्टिमिलिटी टेस्ट परफॉर्म करना। उसके बाद फोर्थ स्टेप है इटरेट टूवर्ड्स एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन आते जाते हैं, अगर मैक्सिमाइजेशन टाइप के मैक्सिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम है तो हम लोग जो कॉलम सेलेक्ट करते हैं वो जो बिगेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है उसको लेके सॉल्व करते हैं। और ये वाले जो स्टेप्स हैं तब तक चलते जाते हैं, इसको हम लोग तब तक इटरेट करते हैं जब तक नेगेटिव वैल्यू या ज़ीरो वैल्यू उस रो में नहीं मिल जाती। उसके बाद देखते हैं फिफ्थ पॉइंट है परफॉर्म ऑप्टिमिलिटी टेस्ट फॉर फर्दर फिजिबल सॉल्यूशन। वही स्टेप अगर हम लोग फॉलो करते जाते हैं तो आखिरी में हम लोग को, अगर मैक्सिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम है तो हम लोग को ज़ीरो या नेगेटिव मिलेगा CJ-ZJ की वैल्यू, तो हम लोग स्टॉप कर देंगे वहाँ पर और वो जो वैल्यू मिलेगी वो हम लोग की होगी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यही स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे हर सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।